हेलो एंड वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑफ वी थ्री कार्स। ये है GLS फ्लैगशिप मर्सिडीज बेंज 3-row SUV और मुझे लगता है कि अगर आप मर्सिडीज बेंज की कोई लग्जरी SUV ही लेना चाहते हैं, मर्सिडीज बेंज की नॉट द मायबाक और द AMG, तो आपको GLS ही लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? वील टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो। Mercedes-Benz ने जैन 2024 में अपडेटेड GLS लॉन्च की थी। कुछ माइनर कॉस्मेटिक अपडेट्स के अलावा इसमें नए फीचर्स भी इंट्रोड्यूस हुए, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट नाउ कम्स विद अ पेट्रोल इंजन एज वेल। दिस इज अ 3-liter इंजन जो 381 PS की मैक्सिमम पावर और 500 Nm की पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है, एंड इट इज पेयर्ड विद अ 9-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। परफॉर्मेंस की बात करें तो GLS 450 0-100 किलोमीटर पर आवर 6.1 seconds में करती है, एंड इट इज द सेम विद द डीजल इंजन एज वेल। सो It is quick by all means. लेकिन पावर ट्रेन वो रीजन नहीं है जिसके लिए सभी मर्सिडीज बेंज SUVs को छोड़ के GLS लेनी चाहिए। इनफैक्ट GLE 450 जिसे हमने रिसेंटली चलाया है, उसमें भी 3-liter पेट्रोल इंजन ही आता है विद द सेम आउटपुट, और उस केस में तो परफॉर्मेंस भी स्लाइटली बेटर है। आई हैव टू से दैट दिस इज अ वेरी रिफाइंड इंजन और इस ट्रांसमिशन के गियर शिफ्ट्स भी स्मूथ हैं। वैसे तो GLS लेने वाले मोस्ट बायर्स इसे फुल टाइम ड्राइव नहीं करेंगे, बट द रिफाइनमेंट ऑफ दिस पावर ट्रेन इज सच दैट यू वोंट माइंड बीइंग बिहाइंड द व्हील वंस इन अ व्हाइल। हाउएवर There is a reason why you may not want to be seated here, and that is its size. GLS 5.2 meter long SUV hai, aur ORVM to ORVM dekhen, toh it measures more than 2 meters. It is clearly a car jise congested cities ke liye toh nahi lena. अगर आप सेल्फ ड्राइव के पर्सपेक्टिव से शॉर्ट सिटी डिस्टेंसेस के लिए ही कोई लग्जरी कार ले रहे हैं तो आपको ए क्लास लेनी चाहिए। ए क्लास क्यों लेनी चाहिए एंड व्हाई नॉट द सी और द GLA, GLB एटसेट्रा, दैट कंटेंट इज फॉर अ सेपरेट वीडियो, बट कीप दिस वन लिटिल थिंग इन माइंड कि स्मॉल कार्स के केस में आपको सूडो SUVs ही मिलेंगी जिनमें यू विल गेट मोर ग्राउंड क्लियरेंस एंड नथिंग एल्स, बट एट अ सिग्निफिकेंट प्रीमियम ओवर अ सिमिलरली साइज्ड सेडान। और शॉर्ट सिटी कम्यूट्स के लिए मोस्ट ऑफ द केसेस में Sedans will just work fine. So the GLS then is the car जिसे आप relaxed commute या long distances पे खुद चला रहे हैं या फिर इसमें पीछे बैठे हैं। Rear seat passengers के लिए इसमें convenience के perspective से कई features हैं और बहुत सारी storage भी। So this is the place where most of you will spend a lot of time in the GLS, and I have to say that it is a comfortable space to be in. Seats plush hain, you have all the features that you want, although I do feel ke isme rear seat massage, seat ventilation aur left passenger ke liye seat recline karke full stretch karne ka bhi option hona chahiye, but in general there's nothing you will complain about. And then there's this USP of the GLS, the third row. GLS की थर्ड रो का एक्सेस इसकी सेकेंड रो सीट्स को इलेक्ट्रिकली स्लाइड करके मिलता है। थर्ड रो पैसेंजर्स के लिए अपने AC वेंट्स हैं, USB स्लॉट्स हैं और सेकेंड रो को इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेट करने का भी ऑप्शन है। लेकिन GLS की रियर सीट पे भी किड्स ही कंफर्टेबली बैठेंगे एंड नॉट एडल्ट्स। द गुड थिंग इज कि GLS में थर्ड रो अपराइट होने के बाद भी 355 liters की स्पेस मिलती है, which is sufficient to keep 3-4 medium bags. Otherwise, iski third row fold karke space increase kar sakte hain, and there's the option to electronically fold the second row as well in case you want to move a house. But the question is, why the GLS over any other Mercedes-Benz SUV? So the GLS petrol that we are driving costs 1.5 crore rupees on road in Delhi. Aur Mercedes-Benz ke suggested finance plan ke according iski EMI 1.76 lakh rupees hai. GLE के केस में सेम पावरट्रेन के साथ ऑनरोड प्राइस 1.25 करोड़ रुपीस है और EMI 1.55 लाख रुपीस। So for a difference of just 25 lakh rupees in the acquisition cost,
एंड अराउंड 22,000 रुपीज पर मंथ इन द ईएमआई। आपको जीएलएस में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स, केबिन स्पेस और ओकेजनल इमरजेंसी केसेस में यूज होने वाली ये थर्ड रो तो मिलती ही है, बट यू ऑल्सो गेट द साइज, द रोड प्रेजेंस एंड द साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दैट यू विल हैव ऑफ ओनिंग द फ्लैगशिप मर्सिडीज बेंज एसयूवी। एक और चीज है एंड देन वील एंड द वीडियो। 25 लाख रुपीज जो GLE और GLS के ऑन रोड प्राइस का डिफरेंस है, दैट इज 20% ऑफ द ऑन रोड प्राइस ऑफ द GLE। नाउ टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, Hyundai Venue जैसी B2 सेगमेंट SUV के टॉप वेरिएंट अगर 15 लाख रुपीज में आते हैं, तो क्या आपको उसके 20% ज्यादा प्राइस यानी 18 लाख रुपीज में क्रेटा का टॉप वेरियंट मिलेगा? इसलिए अगर मुझे एक न्यू कार लग्जरी के मोटिव से ही लेनी है, तो मैं लग्जरी कार मेकर्स के हायर मॉडल्स ही लूंगा। अदरवाइज आई विल बी पेइंग अ प्रीमियम फॉर जस्ट द ब्रांड, जो मैं नहीं करना चाहूंगा। लेट अस नो योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।